हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिंस टू ऑल पे। फंगल इन्फेक्शन होना बहुत मामूली बात है। ह्यूमंस में फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब बॉडी के किसी एक हिस्से में फंगस लग जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि इम्यूनी सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता है। फंगस हवा, मिट्टी, पानी और पौधों में भी हो सकता है। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो नेचुरल फॉर्म से ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, तो बहुत से लोग फंगल इन्फेक्शन से बहुत परेशान रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस KZ पाउडर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पाउडर को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इस पाउडर को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस पाउडर को कब यूज़ नहीं करना चाहिए और गाइज इस पाउडर को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइज, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड ग्राम पाउडर का प्राइस 159 रुपीज़ है। KZ पाउडर H&H का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर कैटोकोनाजोल 2% होता है। गाइस, कैटोकोनाजोल फंगस के प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाने से रोककर फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। ये इस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। गाइस, इस पाउडर के यूजेस के बारे में बात करें तो इस पाउडर को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इस पाउडर को आप रूसी होने की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, हीट रैशेस की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, प्रियोरिटीज़ की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम में, फंगल इन्फेक्शन में, इचिंग की प्रॉब्लम में, कैंडिडा इन्फेक्शन में, दांत की प्रॉब्लम में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। गाइज, आप इन सब प्रॉब्लम्स में इस पाउडर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस पाउडर का यूज़ फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा किया जाता है। इस पाउडर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस पाउडर को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस पाउडर को यूज़ करने से वैसे तो ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन पर लाल रैशेस, मतलब लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, स्किन पे जलन हो सकती है और स्किन रैशेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। गाइज, अगर आप ये पाउडर यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। पाउडर के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इस पाउडर को कब यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइज, अगर आपको स्किन पे एक्ने हो, पोटेशियम की कमी हो, आपकी स्किन जली हुई हो या फिर ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस पाउडर में दिए गए सोल्ट से एलर्जी होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस पाउडर को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखकर इस पाउडर को प्रिस्क्राइब करेगा। बात करते हैं इस पाउडर के डोजेस के बारे में। इस पाउडर को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस पाउडर को बच्चे और एडल्ट्स इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप इस पाउडर को दिन में 3 से 4 बार इजीली लगा सकते हैं और इसकी हेल्प से आप फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज, ये था KZ पाउडर के बारे में। ये पाउडर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इस पाउडर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और गाइज, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए।